ना तो नड्डा ही जिला सिरमौर को कुछ दे पाए और ना ठाकुर जयराम जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो कोई घोषणा जो है ना नाहन में, ना बोंटा में, ना सराह में कर पाए। लगता है कि उनको इस बार ये भांप गए हैं कि लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है और ना तो भीड़ जुट पाई है, जुटा पाए हैं, और ना ही कोई घोषणा कर पाए हैं। इससे लगता है कि सरकार ये मान बैठी है कि यहां कांग्रेस के गढ़ में उनको कामयाबी मिलना जो है बहुत कठिन है। तो हमारा ये मानना है कि 2022 के जो चुनाव है उसमें हम जो सिरमौर की जो पांचों सीटें हैं उसमें हम काबिज होंगे और प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बात जो है वो निश्चित है। और जो दौरा हुआ है वो मैंने कहा है फ्लॉप तो हुआ ही है, लेकिन भाजपा की जो गुटबाजी है वो बुरी तरह से जो है बढ़ गई है, जिससे भाजपा का नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा बड़ा कामयाब रहा, उससे कांग्रेस को ताकत मिली है, कांग्रेस जो है एकजुट हुई है, दूसरी तरफ भाजपा के दौरे से भाजपा को नुकसान, जो लाभ के बजाय जो है नुकसान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे भारी नुकसान प्रदेश को हो रहा है, जिला सिरमौर भी उससे अछूता नहीं है, कई लोगों की जान चली गई है, माल जान का बहुत नुकसान हुआ है, ना तो उसकी भरपाई हो रही है और यहां तक कि सड़कों की हालत पहले ही खस्ता थी, लेकिन भारी बरसात से जो सड़कों की जो हालत है वो बहुत विचारणीय है। मैं समझता हूं कि अब तो वाहन चलाना जो है बहुत कठिन हो गया है और वाहनों के आवागमन ना होने से जो हमारी नकदी फसलें हैं उनको मार्केट तक ले जाना जो है काफी मुश्किल हो रहा है। और यही नहीं, कई सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, उसमें बसें नहीं चल रही हैं। जब से वो बसें नड्डा जी के प्रोग्राम में आई थी तब से कई रूट जो है वो बंद पड़े हैं। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि उन बसों को बहाल किया जाए, उन रूटों को बहाल किया जाए, जो सड़कें अभी बंद हैं उनको उनका जो है मरम्मत की जाए और कोई विशेष पैकेज सिरमौर के लिए दिया जाए ताकि सड़कों की जो हालत बहुत दयनीय है वो जो है ठीक हो सके। इसी तरह से विकास, वहाँ सड़कों की बहुत बुरी हालत है, मेन जो सड़क है उसकी भी, और जो लिंक रोड है उनकी बहुत बुरी हालत है। बाड़ा चाकली का जो रोड है उसमें तो मैं कह सकता हूं कि आदमी भी नहीं चल सकता, वाहन चलाना तो बहुत दूर की बात है, तो सरकार को कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह से जो लिंक रोड है उनका भी हालत बहुत खराब है, तो हमारी मांग है। और दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घोषणा घिन्नीघाड़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र को घोषित करने की, हम ये जानना चाहते हैं अपने सांसद महोदय से, हमारे जो विधायक महोदय हैं उनसे और दूसरे जो यहाँ के नेता हैं कि उसका क्या हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां जो हैं घिन्नीघाड़ में लगी हैं, क्या कोई व्यक्ति विशेष को ही फायदा पहुंचाने के लिए उसकी घोषणा होती, या कोई और भी लोगों को रोजगार मिला है। तो ये इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, कुल मिलाकर के भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है, महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी जो है उससे नौजवान जो है वो तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस आम जो खाने की जो चीजें हैं वो उनकी महंगाई पे जो है मैं समझता हूं कि बहुत बुरा हाल है। हमें उम्मीद थी कि नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी यहां आए थे कुछ महंगाई के लिए राहत देते तो भी कुछ अच्छा लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये केवल लीपापोती की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाओं पे विश्वास रखती है, उसको अमली जमा पहनाने का उनका कोई औचित्य ना वो रखते हैं, ना ही उनके मंसूबे जो साफ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, इनका सुपड़ा जो है 2022 में साफ होगा और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनना पछाड़ में है। आज हमारे सराहा जोन की बैठक संपन्न हुई है जिसकी अध्यक्षता हमारे जो जोन के अध्यक्ष हैं श्री भूपेंद्र जी उन्होंने की है, और इसमें हमारे जो
मंडल के अध्यक्ष हैं श्री बीराम शर्मा जी, वो भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज इससे पहले जैसे मैंने कहा कि नैना टिक्कर और गिन्नी घाट जोन की बैठक जो जोन है उनकी हुई है, तो उसमें कार्यकर्ताओं से जो समीक्षा की गई है किस तरीके से आने वाले दिनों में जो चुनाव की जो आहट सुनाई दे रही है उसके लिए हमको किस तरीके की तैयारी करने की आवश्यकता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और उसके बाद हमारे जिला में विशेष करके और पछाद में खास करके जो हमारे प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं रानी प्रतिभा सिंह जी और मुकेश अग्निहोत्री जी जो विपक्ष के हमारे नेता हैं, उनका और विक्रमादित्य जी का जो यहाँ दौरा हुआ है उसकी जो फीडबैक जो कार्यकर्ताओं से मिली है उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश जो है वो आया है और उनमें कार्य करने की जो क्षमता है उसको दुगनी और चौगुनी हुई है। विशेष करके अभी जो हाल ही में जो दौरा भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय ठाकुर जयराम जी, वो 15 अगस्त को सराहा में आए, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और तत्पश्चात जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी सिरमौर का दौरा हुआ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें सरकारी खजाने को बड़ी बेरहमी से लूटा गया है। अगर आप बात करें तो सारे दूसरे जिलों की बसें जो है उनको यहां लाया गया और आप देखेंगे कि उसमें जो सवारियां थी वो बहुत कम थी, भीड़ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी। और जो कार्यक्रम नड्डा जी का रहा है, सरकार का रहा है, उसको लोगों ने जो है वो एक फ्लॉप करार दिया है। बड़ी उम्मीदें थी जगत प्रकाश नड्डा जी से और सराहा में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पछात की जो कमियां हैं जो यहां अभी तक कुछ काम बाकी शेष बचे उसकी समीक्षा करते, जो उन्होंने घोषणा की थी क्या उसको अमली जामा बनाया गया है उसके बारे में कुछ चर्चा हुई होती तो लगता कि उनको पछात से कोई रुचि है या उनको पछात से कोई। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।